नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी की आज कहीं ना कहीं उद्घाटन भी होने वाला है। वाराणसी के बाद आज पीएम मोदी बिहार के दौरे पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे और अभी वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में ये वहां पर जो है उद्घाटन भी होने वाला है। तस्वीरें आपके सामने, कल प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर थे लेकिन आज प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार पहुंचे हैं, बिहार के दौरे पर हैं और खास बात यह है कि इसमें 17 देशों के राजदूत भी इस वक्त वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस वक्त वहां पर जो है वो शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें हैं आपके सामने और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जो है वो उद्घाटन कर लिया है, नालंदा विश्वविद्यालय का ये उद्घाटन किया है। और अब कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे 2016 में इस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो निर्माण है वो शुरू कर दिया था और अब ये तैयार हो गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर लिया है। तो तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये यूनिवर्सिटी की जो नई बिल्डिंग वहाँ पर बनाई गई है, इसको तैयार किया गया है, इसको एक नया रूप दिया है। खास बात यह है 17 देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में जो हैं वो शामिल हुए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हैं, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपी बिहार के बाद कल जम्मू कश्मीर का दौरा भी है, ये भी खास है क्योंकि 21 जून को जो है वो पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी पहल भारत ने की थी, जिसकी पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इसको लेकर 21 जून को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और कश्मीर में ही योग दिवस के दिन भी कश्मीर में जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं से पूरे विश्व को एक संदेश दिया जाएगा कि योग हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। तो कल शाम को जो है प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर भी पहुंचने वाले हैं। अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, आज उद्घाटन हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, कौन कौन वहाँ पर मौजूद रहा, क्योंकि सबसे जो खास बात निकल कर आ रही है इसमें लगभग 16 देशों के राजदूत भी वहाँ पर शामिल हुए हैं, ज़रा पूरी जानकारी दीजिएगा। जैसे देखिए बिल्कुल शीतल, बताते हैं कि काफी ऐतिहासिक दिन आज का है बिहार के लिए, भारत के लिए, या कहें पूरे विश्व के लिए। आज प्रधानमंत्री बिहार के नालंदा पहुंचे हैं, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के को नए रूप देने का प्रयास किया है और आज जो प्रयास हो रहा था उस प्रयास में सफलता हाथ लगी है। और खास बात यह है कि 17 देशों के जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी प्रधानमंत्री के साथ में है, मुख्यमंत्री साथ में है, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र केलर साथ में है, तो काफी का माहौल है, काफी ऐतिहासिक दिन है। और खास बात यह है कि जो करीब 850 साल से, हम बताते हैं कि 825 साल से जो नालंदा यूनिवर्सिटी को नए रूप देने की कोशिश की जा रही थी, जो उसका इतिहास था, तो आज इतिहास को फिर एक नया रूप मिला है। और निश्चित तौर पर आज के बाद से देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। जी, तो क्या क्या किस तरह के वहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं की गई थी, किस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर थे और वहाँ से भी देश को एक बड़ा संदेश दिया था, किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया था, यहाँ से बिहार से किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए सीधा प्रधानमंत्री करीब 10:03 पर नालंदा पहुंचे और करीब 15 मिनट तक नालंदा के खंडहर का उन्होंने अवलोकन किया। वहां के हर एक जो छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, या इतिहास से जुड़े जो भी वहां मौजूद हो, तो सारे चीजों का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया, बारीकी से पूछताछ की जो वहां जानकार लोग थे। तो काफी उत्साह उमंग में प्रधानमंत्री है और हर एक चीज का अवलोकन किया है। उन्होंने करीब 15 मिनट तक जो खंडहर था, खंडहर का उन्होंने देखा, समझा और जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां एक पौधारोपण भी किया है। देखिए शीतल, काफी अहमियत वाली बात है, प्रधानमंत्री ने वहां एक पौधा को पौधारोपण भी किया है। उसके बाद वहां से वो निकलेंगे, करीब 10:24 पर प्रधानमंत्री वहां से निकले और जो नया यूनिवर्सिटी की रूपरेखा तैयार की गई है तो उसके उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री उसमें प्रवेश कर गए। अभी तो वहां पर 16 देशों के राजदूत भी शामिल रहे, तो इससे क्या संदेश निकलकर सामने आ रहा है?
देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी केवल बिहार या भारत की धरोहर नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व से जुड़ा हुआ एक विश्वविद्यालय रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पूर्व में तिब्बत हो, इंडोनेशिया हो, चीन हो, म्यांमार हो, तो भारत हो, कई ऐसे देश है जहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ आते थे। वो ये इतिहास की बात है, लेकिन इतिहास के पन्ने में शीतल देखिए जो बात अंकित हो जाता है वो मिटता नहीं है, लोग उसको थोड़ी देर के भूल सकते हैं, वो लोग उसको के अनदेखा कर सकते हैं कि, लेकिन भारत का इतिहास, नालंदा का इतिहास काफी गौरवशाली है। तो तमाम देशों को यह संदेश देने का काम हो रहा है कि बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय आज भी उसी तरह से जीवित है जैसे आज से पूर्व में सैकड़ों साल पहले जीवित था। तो हम बता दें कि इस नालंदा विश्वविद्यालय की खास बात यह होगी कि यहाँ भारत की संस्कृति से जुड़ी विषयों पर भी पढ़ाई होगी। देखिए शीतल, काफी अहमियत वाली बात है, जो 17 देशों के राज्यपाल आए हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं, तो उन तमाम लोगों को यह संदेश देने का काम किया गया है कि जिस तरह से भारत में उनका उनके उनके संस्कृति, उनके सिद्धांत का, उनके विचार का सम्मान होता था, तो आज भी वो सारी परंपराएं जीवित है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वाराणसी में, इधर यूपी बिहार के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा भी देखने को मिलेगा। कल शाम श्रीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी, योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने जा रहे हैं, और ये योग दिवस कार्यक्रम देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इसकी पहल भारत ने ही की थी, और तब से 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, और बाकी देशों ने भी इस योग दिवस को जो है वो अपनाया है, योगा को अपनाया है, और उससे ये संदेश देने की कोशिश की।
अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है और मुझे ये देखकर खुशी है। फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी दो दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभव
आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्पा दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। यह किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोडमैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे, और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो, भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले QS रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे, आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे 13, अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में
हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन दो नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईआईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब दोगुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी बिहार के नालंदा से इस वक्त आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने आज नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है वो उद्घाटन किया है और वहीं से अपना संबोधन भी दे रहे थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार पीएम मोदी अपने संबोधनों में जिक्र जरूर करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात जरा डोडा की करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी सेंध हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एसपीओ के AK-47 राइफल लेकर एक युवक भागा है। बड़ी जानकारी, सुरक्षा में सेंध। घर वालों ने वापस आने की अपील भी की है कि आप घर आइए। बड़े पैमाने पर फिलहाल युवक की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और वहां पर अब यह भी खबर सामने आ रही है कि कोई क्लू जो है वहां पर पुलिस को मिला है। अब देखना होगा कि अब आखिर कब तक इस युवक को जो है वो वापस अपने पाले में लिया जाएगा। सुरक्षा जो वहां पर है पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पुलिस हो, सुरक्षा बल हो, तमाम तरह के वहां पर जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हो वो उस युवक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एसपीओ की AK-47 लेकर जो है वो फरार हुआ है। तो यौर गुमत तो वल आराम से सन घर तो क्या गोर क्या काम कर सही गलत वत गो तो वल घर पे बचन नश बच्स नश त्रवेख कम पाल तो ये वल घर पे बचन नश बु त्रस जहद क्या कर तुम माजि हूँ जहद माजि हूँ फर्कस कर अत गया चलान जहद तो गोड़े कौर गो जहद कर जहद नीत माज। तो आपने सुना, इस युवक का परिवार जो है उस युवक को घर लौटने की वहां पर जो है गुहार लगाए हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप घर लौट के। आज के लिए न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।